हेलो भाई लोग, मेरा नाम है भवानी सिंह और आप में से बहुत सारे लोग मुझे एज अ जीएस फैकल्टी जानते होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं जहां मैं जीएस को थॉरली कवर करवाता हूं। मेरे कोर्सेज की डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग फी अफोर्ड नहीं कर पाते और कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर आप कुछ वीडियोस यूट्यूब पर डाल दिया कीजिए जिससे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मुझे जब भी और जैसे भी टाइम मिलेगा मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड करता रहूंगा। और फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है हम उसे बनाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंटेंट इस तरह का बने कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाए। तो अभी हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के साथ और इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में करीबन 4 to 5 फैक्ट्स फिलहाल हम कवर करने वाले हैं और ये वो फैक्ट्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट इस चैप्टर में इंडिया की लोकेशन। इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन वर्ल्ड में पता करने से पहले हम एक फैक्ट समझ लेते हैं कि भाई वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, उसके बाद ये एशिया है, फिर ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन के, तो ये कॉन्टिनेंट है हमारा ओशियानिया। और नीचे एक कॉन्टिनेंट और है जो आपको नहीं दिख रहा है, इसका नाम है अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एशिया में लगभग 50 कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली 48 हैं। उनमें से एक है हमारा इंडिया, हमारा भारत। और एशिया में भी इंडिया जो है उस लोकेशन पर है जहां पर इंडिया के वेस्ट में अरब सागर यानी अरेबियन सी, इसके साउथ में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट विच इज सराउंडेड बाई 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो भाई लोग नॉर्थ में मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ में एक फिजिकल फीचर है जो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी हवाओं से, और ये फिजिकल फीचर है हिमालयन माउंटेन रेंज जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगभग 2500 किलोमीटर की लेंथ के साथ स्प्रेड हो रहा है। 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये एक्सपेंडेड है। तो इस तरह से हमारा पहला फैक्ट पूरा हो गया दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड इट इज सराउंडेड बाई 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। और नॉर्थ में एक फिजिकल फीचर है जिसे हम हिमालयाज बोलते हैं जिसकी लेंथ वेस्ट टू ईस्ट 2500 किलोमीटर है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो भाई लोग हमारा जो अगला फैक्ट है वो भी इंडिया की लोकेशन से ही रिलेटेड है। भाई पिछले फैक्ट में हम लोगों ने इंडिया की लोकेशन देखी वर्ल्ड में, पर अब जब हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो वो देखेंगे अर्थ पर, या ये कहें अर्थ के रेप्लिका ग्लोब पर। तो इस फैक्ट को समझने के लिए हम कुछ डायग्राम्स की हेल्प लेंगे। और यहाँ पर आप सपोज करो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री, एंगुलर वैल्यू है और इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। भाई अर्थ का जो जनरल शेप है, जो हम आम बोलचाल में बोल देते हैं कि भाई अर्थ जो है वो गोल है, अर्थ का जो जनरल शेप है इट इज स्फेरिकल। तो अगर अर्थ गोल है और ये लाइन बीचों बीच से अर्थ को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये है कि अर्थ के इस ऊपरी आधे हिस्से को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है और क्योंकि अर्थ स्फीयर है तो उसका आधा हिस्सा हेमिस्फीयर। सिमिलरली इक्वेटर के साउथ में जो पार्ट है, अर्थ का जो आधा हिस्सा है, इसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जो नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली एक और इमेजिनरी लाइन है जो वर्टिकली अर्थ को डिवाइड कर देती है, इसकी वैल्यू भी 0 डिग्री है और इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या फिर आप इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी बोल सकते हो। ग्रीनविच लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइन है ये इंग्लैंड की कैपिटल लंदन के पास एक छोटा टाउन है ग्रीनविच और वहां पे एक लेबोरेटरी है, वहां से ये पास हो, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन। अब बात यह है कि जैसे इक्वेटर हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, वैसे ही ये प्राइम मेरिडियन
मेरिडियन अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करके वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, और इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं हमारी अर्थ के चार हेमिस्फेयर्स, फोर हेमिस्फेयर्स। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा दोबारा से बनाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, ये इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन और ये हमारे चार जो हैं वो हेमिस्फेयर्स हैं। भाई डायरेक्शंस आप सबको मालूम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये तो मेन डायरेक्शंस है। अब इन मेन डायरेक्शंस के बीच में, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। अब इन चार हेमिस्फेयर्स में से, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर, साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर, साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर्स में इंडिया कहाँ पर है? तो भैया इंडिया की लोकेशन यहां पर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया लाया करता है। तो हमारा ये फैक्ट ही यही है दैट इंडिया होली लाइज, पूरी तरह से लाया करता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर इन दी वर्ल्ड में। तो इंडिया की लोकेशन हमें वर्ल्ड में भी पता चल गई और अर्थ पर भी पता चल गई। अब चलते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ। तो भाई लोग, हमारा नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया की लेंथ और विड्थ, यानी इंडिया की लंबाई और चौड़ाई। अब हम सब ये बात जानते हैं कि इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, इनफैक्ट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया के मामले में पूरे वर्ल्ड में इंडिया सातवां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब इसकी लेंथ और चौड़ाई ठीक ठाक है। अगर मैं इंडिया की लेंथ की बात करूं तो मैं इंडिया की लेंथ को मेजर करूंगा लद्दाख के इस हिस्से से, लद्दाख के इस हिस्से से बिल्कुल सीधे ले जाते हुए तमिलनाडु के इस हिस्से पर। ये यहां से लेके, लद्दाख से लेके तमिलनाडु के इस हिस्से तक, ये हमारे इंडिया की लेंथ है। जिसे हम किलोमीटर्स में देखें तो 3,214 किलोमीटर्स है, यानी 3,214 किलोमीटर। वहीं अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, इंडिया की चौड़ाई की बात करें, तो भाई लोग गुजरात के कच्छ से और अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से तक इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर्स, यानी 2,933 किलोमीटर। तो इंडिया की अगर हम लेंथ की बात करें तो इंडिया स्ट्रेचेस अबाउट 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, वेयर एज इट्स विड्थ इज 2,933 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। तो ये इंडिया की लेंथ और विड्थ हो गई। तो भाई लोग, अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका मतलब है कि इंडिया कौन से दो लैटिट्यूड्स और कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाया करता है। और इस फैक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। सपोज कीजिए कि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर तो अब हम सब जानते ही हैं कि इमेजिनरी लाइन है जो हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, और इक्वेटर की वैल्यू भी हमें मालूम है 0 डिग्री। फिर हम सब ने बचपन में ये तो पढ़ाई है कि ये नॉर्थ पोल है जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री नॉर्थ, वहीं ये साउथ पोल है जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री साउथ। इसका मतलब ये है कि 0 से 90 तक हर एक डिग्री पर कुछ इमेजिनरी लाइंस बनी हुई हैं जो कि पैरेलल हैं इक्वेटर के, और 0 से 90 के बीच में वो वैल्यूज इन लाइंस को दी गई है, जैसे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली इक्वेटर के साउथ में जो पैरेलल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको भी ये वैल्यूज दी गई हैं। बस हम यहाँ पे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ, इस तरह से बोल देते हैं। तो इक्वेटर के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों ही हेमिस्फेयर्स में वो है लैटिट्यूड्स, क्योंकि ये लेटी हुई लाइंस हैं तो हम इन्हें लैटिट्यूड्स बोल सकते हैं, मतलब याद रखने के लिए ये आपको बताया गया है। वहीं जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये लैटिट्यूड्स के ऑपोजिट, लैटिट्यूड्स तो भैया हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वहीं लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये लैटिट्यूड्स के ऑपोजिट वर्टिकल लाइंस हैं। अगर ये हमारी अर्थ है तो हमने एक लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी पढ़ लिया है, प्राइम मेरिडियन, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, और ये प्राइम मेरिडियन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। वैसी ही कुछ और लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। इस तरह से वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं, पर इन्हें हम पैरेलल नहीं बोल सकते लैटिट्यूड्स की तरह, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है नॉर्थ पोल से और एक ही पॉइंट में जाके खत्म हो रही है साउथ पोल पर, इसलिए पैरेलल तो नहीं है। और अगर आप अर्थ पर इन दोनों लाइंस
को, यानी दोनों तरह की लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को एक साथ मर्ज करें, एक साथ बनाएं, तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये लैटिट्यूड्स हो गए, इस तरह से ये लैटिट्यूड्स हैं। वहीं अगर ये प्राइम मेरिडियन है, ध्यान से देखिए, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके दोनों तरफ ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रिड पैटर्न हमें देखने को मिलता है अर्थ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की वजह से, यानी इक्वेटर के दोनों तरफ, दोनों ही हेमिस्फेयर्स में पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड्स हैं, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ, हर एक डिग्री पर। वहीं हर एक डिग्री पर 0 से 360 डिग्री तक, क्योंकि अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, कोई भी गोल चीज 360 डिग्री की होती है, यानी कि कंप्लीट एंगल की होती है। तो 0 से 360 तक हर एंगल पर, हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है। तो यहां पर ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए हमारे पास। और अब बात ये है कि इंडिया कौन से दो लैटिट्यूड्स और कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाए करता है। तो ये जो ग्रिड पैटर्न आप देख पा रहे हो, मैं अगर यहीं पर इंडिया को लोकेट करूं, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूं, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, यहां पर, यानी ये दो लैटिट्यूड्स और दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाया कर रहा है। और ये दो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नॉर्थ में है और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। तो ये इनकी वैल्यू क्या है वो हमें पता करनी है। अब मैं वो वैल्यू आपको बताता हूं। देखिए, इंडिया जिन दो लैटिट्यूड्स के बीच में है, उसमें पहला लैटिट्यूड है यहां पर, इस लैटिट्यूड की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो इसकी वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री के आसपास का लैटिट्यूड है, 8 डिग्री के आसपास का ये लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। वहीं अगर ऊपर, ये जो लद्दाख है, ये ऊपर की ओर आखिरी टेरिटरी हमारी, तो यहां पर जो लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया लाया करता है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाया करता है। ये वैल्यूज बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बताया था कि वो वर्टिकल होते हैं। तो भैया, इंडिया का सबसे वेस्ट में ये वाला हिस्सा है गुजरात का, तो यहां से जो ये लैटिट्यूड ऐसे पास हो रहा है, इस लैटिट्यूड की वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मैं ईस्ट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है इंडिया, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया। और दूसरा लॉन्गिट्यूड देखिए, जो ये अरुणाचल के साइड से पास हो रहा है, क्योंकि अरुणाचल इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, और इसकी वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में, इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाया करता है। तो ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो भाई लोग, अभी हमारा जो अगला फैक्ट है वो है इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, विच मीन्स इंडियाज टोटल सरफेस एरिया। अभी पिछले ही एक फैक्ट में हमने पढ़ा था कि भाई इंडिया की अच्छी खासी लेंथ है, अच्छी खासी विड्थ है, तो ऑब्वियस है कि इसका एरिया भी ठीक ठाक ही होगा। इंडिया का टोटल सरफेस एरिया भाई लोग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, काफी बड़ा एरिया है। पर मैं आप सबको बता दूं, दिस एरिया इज जस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल सरफेस एरिया। पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है भारत का सरफेस एरिया। इंडिया टोटल सरफेस एरिया इज जस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ में आया हो। मतलब वर्ल्ड में इतनी ज्यादा जमीन है कि हमारे भारत के पास सिर्फ 2.4% ही लैंड है उसका, पर सिर्फ इतने से ही लैंड के साथ वी होल्ड 7th rank इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीज। भारत इतने ही एरिया के साथ, इतने से ही एरिया के साथ वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं, उनमें 7th largest कंट्री है। तो ये फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि सर फिर इंडिया से बड़ी वो 6 कंट्रीज और कौन सी हैं, क्या वो एग्जाम में आ सकती हैं? बिल्कुल एग्जाम में आ सकती हैं कि भाई इंडिया से बड़ी वो जो 6 कंट्रीज हैं, उनमें से कोई भी 4 को आपको अरेंज करने को दे देंगे एरिया के हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी बड़ी कंट्री से छोटी कंट्री की तरफ आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, या फिर छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री की तरफ अरेंज करना होगा। तो हमें इंडिया से बड़ी उन 6 कंट्रीज को सीक्वेंस में याद करने की जरूरत है। और सिंपल सा तरीका है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, इंडिया तो 7th नंबर पर है, ये हम सबको मालूम है। पहले नंबर पर जो कंट्री है भाई लोग,
वो है रशिया, रशिया रूस। तो रशिया के पास लार्जेस्ट एरिया है वर्ल्ड में। अब आपको अगली कंट्री जब याद रखनी तो रशिया से भैया सीधे चले जाओ और ये जो कंट्री है ये है कनाडा। तो रशिया के बाद कनाडा, पहले नंबर पर रशिया और दूसरे नंबर पर कनाडा। अच्छा, अब ये जो तीसरा और चौथा नंबर है, थर्ड और फोर्थ रैंक है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो कई सारी जो वेबसाइट्स हैं या जो सोर्सेज हैं वो ये बोलते हैं कि भाई तीसरे नंबर पे चाइना है और चौथे नंबर पर यूएसए। पर कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जहां पर यूएसए को तीसरे नंबर पे बताया गया है और चाइना को चौथे नंबर पर। तो जिस तरह के भी ऑप्शंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे उस हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर हम वहां मार्क करके आ जाएंगे। पर फिलहाल के लिए आप ये जान लें कि रशिया पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर हम नीचे ही आ जाते हैं, ये है यूएसए। कंफ्यूजन है पर हम यहां पर तीसरे नंबर पर यूएसए को करते हैं। तो रशिया, कनाडा, यूएसए और इसके बाद बिल्कुल सीधे चले जाओ भाई लोग, बिल्कुल सीधे जाओगे तो ये है चाइना। चाइना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। और फिर जब वापस आप जाओगे चाइना से तो यहां पर देखो ध्यान से, ये है ब्राजील, पांचवें नंबर पर ब्राजील। आप सबको मालूम होगा ब्राजील कॉफी के प्रोडक्शन में नंबर वन है। तो रशिया पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील। और ब्राजील से बिल्कुल सीधे चले जाओगे भाई लोग तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवें नंबर पर तो हम हैं ही। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सातवें नंबर के बाद आठवें नंबर पर कौन सी कंट्री है, एक और याद कर ही लेते हैं, तो भैया आठवें नंबर पर है अर्जेंटीना। तो इस तरह से हमें इंडिया से बड़ी सात और इंडिया के जस्ट बाद में जो आठवें नंबर की कंट्री वो भी पता चल गई। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड देन अर्जेंटीना, ये हमारा फैक्ट पूरा होता है। तो भाई लोग अब हमारा इस वीडियो का लास्ट फैक्ट है इंडिया की पॉपुलेशन, यानी इंडिया की, भारत की जनसंख्या। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो देखिए लास्ट सेंसस हुआ है 2011 में, 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, यानी जनगणना जो हुई है 2011 में हुई थी एंड इट वाज इंडियाज 15th सेंसस। भारत में जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं वो 15 बार हुई हैं, लगभग हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट होता है। और जो पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था इंडिया में वो 1872 में, उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे और जो इंडिया का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में पहली बार हिंदुस्तान के लोगों की जनगणना हुई, उनकी पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई। पर ये इनकम्प्लीट थी, ये जो प्रोसीजर था 1872 वाला ये इनकम्प्लीट रहा। पहली बार जो कम्प्लीट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1881 में, उस टाइम पर जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। और उसके बाद से लगभग हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट हुआ है और लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है 2011 में, 2011 में, जो कि 15th सेंसस। पर जब 2021 में सेंसस होने वाला था उस टाइम पर हम लोग COVID-19 से जूझ रहे थे, इस वजह से वो सेंसस कंडक्ट हुआ नहीं। और अभी तक 2021 वाला सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, या ये कहिए कि उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जब भी नई रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से हमें नए डेटा को इम्प्लीमेंट करना होगा हमारे एग्जाम्स में। पर फिलहाल जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता तब तक सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 121 करोड़ है, 121 करोड़ है भाई लोग हम लोग सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और इस पॉपुलेशन के साथ मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन को होल्ड किए हुए हैं, यानी वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया का तो हमारे पास सिर्फ 2.4% लैंड है, जबकि पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे इस 2.4% लैंड पर 17.5% रह रही है, यानी कम एरिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है भाई लोग। इसे बोलते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व का ज्यादा होना, जनसंख्या का घनापन ज्यादा होना। तो इंडिया की फिलहाल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इट इज 121 करोड़, विच इज 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के मामले में हम सबको ये मालूम है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया फिलहाल वर्ल्ड में सेकंड रैंक होल्ड करता है आफ्टर चाइना। हो सकता है नया सेंसस में हमें ये पता चले कि हमने चाइना को सरपास कर दिया है, पर जब तक नया सेंसस या उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती वी नीड टू फॉलो द डेटा ऑफ ओल्ड सेंसस व्हिच इज सेंसस 2011। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि चाइना पहले नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में और हम सेकंड नंबर पर। चलिए ये हमारे इस वीडियो के जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर के वो खत्म हुए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर के जो फैक्ट्स हैं जितने हमने कवर किए वो समझ में आए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट